रुक करते हैं अंबाला की खबर की तरफ, जहां अंबाला कैंट के पास मौजूद शास्त्री कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योगशाला और व्यायामशाला का उद्घाटन किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की ओपीडी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष इस तरह के 1000 व्यायामशालाओं का प्रदेश में निर्माण करेगी। आपको बता दें कि लगभग 9.5 करोड़ की लागत से बनी ओपीडी को पीजीआई की तर्ज पर तैयार किया गया है। नागरिक अस्पताल में अब हर सुविधा एक ही जगह मुहैया होगी। अंबाला कैंट के लोगों ने इस अस्पताल के खुलने से काफी खुश नजर आए। वहीं दूसरी तरफ विज ने यूपी में मुलायम परिवार में चल रहे फैमिली ड्रामे पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मुलायम परिवार तो आपस में ही लड़कर खत्म हो गया है, अब यूपी में केवल भाजपा की लोग बात कर रहे हैं। नई घोषणा की उसमें जो मकान बनाने वाले हैं उनको भी राहत दी है। अब सबसे बड़ी बात थी कि जो डिलीवरी केसेज हैं उसके लिए 6000 रुपये दिए। इससे हमारी आईएमआर और एमएमआर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होंगी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होंगी तो माता को और बच्चे को बचाने का बहुत सुविधा रहती है। किसानों के लिए दिया है, हर वर्ग को प्रधानमंत्री जी ने कल टच किया है। अब इससे इनकी रातों की नींद चली जाती है कि हमारा प्रधानमंत्री तो 5-5 साल नहीं बोलता था और इनका प्रधानमंत्री रोज ही बोलता है, जब बोलता है तो कुछ ना कुछ देता भी है, तो उससे इनको काफ़ी तकलीफ है और इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। सर, इससे पूरे अंबाला को एक जो राहत मिलेगी वो एक अमेजन राहत है। ये कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा हॉस्पिटल जो कभी बत्ती में देखने को मिलता है या हमें पीजीआई के मात्र देखने को मिलता है या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल हैं जो लोगों ने लूटपाट कर रखी थी उसे आम जनता को बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।